हेलो दोस्तों, मैं हूँ शुभम। स्वागत है आप सभी का वी टेक सॉल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिकवरी ड्राइव क्रिएट कैसे करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखिए। सबसे पहले आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप सभी को रिकवरी ड्राइव क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आपके सिस्टम में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसके वजह से सिस्टम बूट नहीं हो रहा, तब सिंपली आप इस रिकवरी ड्राइव के मदद से अपना सिस्टम रिपेयर कर सकते हो। सिस्टम रिकवरी ड्राइव बनाने के लिए आपके पास मिनिमम 16 GB पेन ड्राइव होना ज़रूरी है, और अगर पेन ड्राइव में कोई भी डाटा हो तो उसका बैकअप ले लें। रिकवरी ड्राइव करने के लिए फर्स्ट हमें कंट्रोल पैनल में जाना है, उसके बाद रिकवरी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन जो स्क्रीन आएगी उसमें हमें क्रिएट अ रिकवरी ड्राइव पे क्लिक करना है। जब हम रिकवरी ड्राइव क्रिएट करते हैं उस वक्त सम रिक्वायर्ड फाइल्स आर मिसिंग का एरर आता है। उसे कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। यहाँ पर जो बैकअप सिस्टम फाइल्स है उसे चेक ही रखना है, क्योंकि इससे हम विंडोज़ को रीइंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अभी ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, इसमें हमें 5 से 10 मिनट का समय लग सकता है। अब मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो ये प्रोसेस पूरा हो गया है और यहाँ पे सिस्टम ने हमारा पेन ड्राइव भी डिटेक्ट कर लिया है। यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हमें क्रिएट को सिलेक्ट करना है और रिकवरी ड्राइव बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे और 30 से 40 मिनट का समय लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिस्टम एंड हार्डवेयर। सो इस तरह से हम रिकवरी ड्राइव बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कुछ सवाल होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।